Hello students welcome to my channel so today we are going to discuss our second chapter that is food health and hygiene so in this chapter we are going to study about food and its components importance of a balanced diet diseases non communicable and communicable health and hygiene importance of rest exercise and yoga so first we will discuss about food and its components वी ऑल नीड फूड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ़ अवर बॉडी तो अपनी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है फूड की ज़रूरत होती है वी नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड रिमेन हेल्दी हमें फ़ूड की ज़रूरत होती है किस लिए ताकि हम कह रहे हैं हेल्दी रहें और हमारे बॉडी में एनर्जी जो है वो बनी रहे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स विच कम फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ूड आइटम्स हैं जो कि आपको कहाँ से मिलती हैं आइदर फ्रॉम योर प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है दीज फूड आइटम्स आर सीरियल्स पॉल्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स नट्स मिल्क मीट एग ऑयल घी बटर चीज़ एटसेट्रा तो ये सारी जो है वो आपकी क्या है फूड आइटम्स हैं ठीक है दीज फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रियस अब यहाँ ऊपर जितनी भी ये फूड आइटम्स हैं इनमें कुछ ना कुछ क्या होता है न्यूट्रियट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है न्यूट्रीट्स आर द सब्स्टांसिज प्रेजेंट इन द फूड तो बेसिकली जो न्यूट्रींट्स होते हैं वो आपके ऐसे सब्सटांसिस होते हैं जो कि फ़ूड के अंदर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं ठीक है दे हेल्प इन ग्रोथ एंड मेनटेनेंस ऑफ लाइफ तो वो बेसिकली आपको हेल्प करते हैं किसमें आपकी ग्रोथ और मेंटेनेंस में ठीक है न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आर ग्रुप्ड एज तो बेसिकली आपके पास कितने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ पे बताया गया है फ़र्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट सेकंड है प्रोटीन्स थर्ड है फैट्स फोर्थ है विटामिन फिफ्थ है आपका मिनरल्स तो ये जो फाइव हैं ये आपके क्या हैं न्यूट्रियट्स हैं जो कि किस में प्रजेंट होते हैं आपके डिफरेंट फूड्स में प्रेजेंट होते हैं ठीक है सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स की कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो क्या होते हैं ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस क्विक एनर्जी तो बेसिकली जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो ठीक है तो इससे आपको क्या मिलती है एक क्विक एनर्जी मिलती है आपकी बॉडी में ठीक है दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग न्यूट्रीन इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है एनर्जी गिविंग न्यूट्रींट्स ओके चिल्ड्रेन हु प्ले अलॉट एंड पीपल हु डू फिजिकल लेबर नीड अलॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अब यहाँ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो बच्चे ज़्यादा खेलते हैं और जो लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं ठीक है उनको जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है ठीक है सीरियल पल्स पोटैटो हनी कॉर्न एंड वीट आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो ये सब आपके क्या हैं सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिससे आपको क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मिलते हैं ठीक है थीके? यहाँ पे कुछ एक पिक्चर्स हैं जैसे ये पोटैटोज़ हैं ठीक है थीके? आपको बहुत पसंद होंगे पटैटो राइस व्हीट एंड हनी तो ये सारे क्या हैं आपके सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सेकंड है आपका प्रोटीन्स प्रोटीन्स भी क्या होते हैं एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ठीक है ठीके? जो बेसिकली आपके प्रेजेंट होते हैं फूड में प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स तो बेसिकली जो आपके प्रोटीन्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है और बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब बॉडी को बिल्ड करने के लिए आपका प्रोटीन्स जो है वो यूज़ में आता है प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिपेयरिंग आवर वोन आउट इश्यूज एंड फॉर मसल बिल्डिंग तो बेसिकली जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं आपके मसल बिल्डिंग में यूज़ होते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल नीड मोर प्रोटीन्स तो बेसिकली जो आपके ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं ठीक है छोटे बच्चे जो होते हैं जिनकी ग्रोइंग एज चल रही होती है एंड जो आपके ओल्ड पीपल होते हैं जैसे कि आपके नाना नानी दादा दादी ठीक है उनको ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है मीट फिश एग्स एंड चीज़ ये क्या है आपके दीज आर दोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स राइट सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन तो बेसिकली जो आपका मिल्क होता है वो क्या होता है एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है ठीक है एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है ये इट ऑल्सो कंटेन्स अदर न्यूट्रियट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड मिनरल्स और मिल्क के अंदर और क्या क्या न्यूट्री एंट्स प्रेजेंट होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड मिनरल्स हैंस मिल्क इज अ कम्प्लीट फूड इसी लिए जो आपका मिल्क है उसको क्या बोला जाता है कम्प्लीट फूड बोला जाता है पल्स इज सोयाबीन चिकन मटन फिश एग्ज चीज़ आर द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन अवर डाइट ठीक है तो ये सब जो क्या हैं आपके क्या हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है ठीक है और यहाँ पे पिक्चर में आपका यहाँ पे मिल्क की बॉटल्स रखी हुई हैं ठीक है ठीके? ये क्या है आपका गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन राइट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच